हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो हमारी एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ हैं इनको हम करेंगे। मेनली हमारी दो एक्टिविटी हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो पहली जो एक्टिविटी है वो इसमें हम ये शो करेंगे कि जो क्लोरोफिल होता है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आप एम रिक्वायरमेंट इस फॉर्म में लिखना चाहो तो इसका एम क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। हमें प्रूव करना है कि क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए है, हमें एक यहाँ पे पोटेड प्लांट चाहिए, क्योंकि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कभी धूप में कभी छाँव में रखना पड़ेगा। तो हमें एक पोटेड प्लांट लेना पड़ेगा, मतलब जो गमले में लगा हुआ प्लांट होता है। और हमें ऐसा प्लांट लेना है जिसकी लीव्स कैसी हों, वेरीगेटेड लीव्स हों। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो कहीं से येलो हों कहीं से ग्रीन हों, जैसे कि मनी प्लांट की होती हैं। तो ऐसे प्लांट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम ये जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं, यहाँ पर हम पहले डी स्टार्चिंग करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है इन एक्सपेरिमेंट्स में, डी स्टार्चिंग। देखो स्टार्च वर्ड आ रहा है, डी स्टार्चिंग का मतलब क्या है, हम इसको अंधेरे वाले कमरे में रखेंगे, ठीक है, दो तीन दिन तक, टू टू थ्री डेज। हमें मोस्टली हम थ्री डेज़ के लिए क्या रखेंगे, इसको डार्क में रखेंगे, जहाँ पे इसको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या होगा, जितना भी स्टार्च इस प्लांट ने सिंथेसाइज कर रखा होगा वो सारा का सारा यूज्ड अप हो जाएगा, मतलब उसमें कोई भी स्टार्च नहीं बचेगा। तो जब भी हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा फोटोसिंथेसिस वाला, तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डी स्टार्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पहले क्या कर दिया, उसको डी स्टार्च कर दिया, ताकि वो सारे के सारे जो स्टार्च थी वो सारी उसकी यूज अप हो जाए। अब हम क्या करेंगे, उस पोटेड प्लांट को सनलाइट में रखेंगे फॉर अबाउट 6 आवर्स। तो सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया, उसको अब हमने कहाँ पे रख दिया, लाइट में रख दिया, ठीक है, अबाउट 6 आवर्स के लिए हमने उसको अब धूप में रख दिया। तो अब क्या होगा, उसको उसको सनलाइट मिलेगी और वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से हमें एक लीफ तोड़ना है। तो हमने यहाँ पे एक लीफ तोड़ दिया और हमने क्या कर दिया, उसको मार्क कर दिया कि जहाँ पे हमारा ग्रीन था, क्योंकि बाद में हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम मार्क कर देंगे कहाँ पर ग्रीन पार्ट था और कहाँ पर येल्लो पार्ट था, ठीक है, ग्रीन एरियाज़ को और येल्लो एरिया जहाँ पर हैं उसको हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी लीफ है उसको हम बॉइलिंग वाटर में रखेंगे कुछ मिनट्स के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बीकर में रखेंगे जहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल होगा, और उस एल्कोहल वाले बीकर को हम वाटर बाथ में रखेंगे, क्योंकि हम सीधा एल्कोहल में बॉयल नहीं कर सकते। अगर हम सीधा एल्कोहल में बॉयल करेंगे उसको, तो मतलब कि ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है एल्कोहल, इसलिए हम इसको वाटर बाथ में रखेंगे। तो पानी है, पानी के अंदर फिर एल्कोहल का बीकर है, इस तरह से हम उसको गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे। और ये जो हम एल्कोहल के अंदर इसको बॉयल कर रहे हैं, इसका हमारा पर्पज़ क्या है, कि जितना भी एक्स्ट्रा पिगमेंट है, एक्स्ट्रा क्लोरोफिल है, वो सारा का सारा क्या हो जाए, निकल जाए उसमें से, ठीक है। उसके बाद ये सब होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लीफ को उसमें से बाहर निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। अब हम करेंगे इसका आयोडीन टेस्ट, ठीक है, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आयोडीन टेस्ट करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इस पर आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप डालेंगे इस लीफ के ऊपर। और आपको पता ही है आयोडीन क्या करता है, स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो इस वाले लीफ में देखो हमें दिख रहा है कि जहाँ जहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारा ग्रीन पार्ट था, जहाँ हमने मार्क किया हुआ है कि यहाँ यहाँ पे हमारा ग्रीन पार्ट था, वहाँ वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, जहाँ पे ग्रीन कलर था वहीं पे क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। और ग्रीन कलर था इसका मतलब क्या था, वहाँ पे क्लोरोफिल था। तो इससे हमारा ये प्रूव हो जाता है कि जो क्लोरोफिल है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो भी हमारा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम क्या प्रूव करेंगे कि जो CO2 होती है वो नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पोटेड प्लांट चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें दो पोटेड प्लांट चाहिए, ठीक है, वहाँ पे एक से काम चल गया था। तो हमें क्या करना है, दो हेल्दी पोटेड प्लांट लेने हैं, सेम साइज़ के होने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। फर्स्ट स्टेप वही होगा डी स्टार्चिंग का, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में हम डी स्टार्चिंग करते हैं, 3 दिन के लिए डार्क में रखेंगे, ताकि जो भी स्टार्च था प्लांट के अंदर वो क्या हो जाए, यूज्ड अप हो जाए। उसके बाद सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, अब दोनों प्लांट्स को अब रख देंगे लाइट के अंदर। लेकिन इससे, लाइट में रखने से पहले हमें एक चीज़ करनी है कि जो हमारे ये जो प्लांट हैं इनको हमें एक बेल जार से कवर कर देना है। ये जो आप देख रहे हो ना कि चारों तरफ ये क्या है, बेल जार है, और यहाँ पे इस तरह से वैसलीन वगैरह कुछ लगा देने, ताकि एक्स्ट्रा एयर अंदर ना जा सके। और एक प्लांट के साथ में हमने एक वॉच ग्लास रख दिया, और उस वॉच ग्लास के अंदर हमने क्या रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या रख दिया, एक प्लांट के पास रखना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जितनी भी एयर थी इन प्लांट्स के पास, उसमें CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, सारी गैसेज हैं, लेकिन
लेकिन हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक प्लांट के पास KOH रख दिया। तो सीधी सी बात है, जितनी भी CO2 इसके आस इस बेल जार के अंदर होगी तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इस प्लांट को CO2 मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, वो हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, CO2 को ये एब्जॉर्ब कोई करने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये प्लांट क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, क्योंकि सनलाइट इसको मिल रही है, थोड़ी बहुत एयर तो है ना इसके पास, बिल्कुल जो इसके बेल जार के अंदर थी। तो इस उसके बाद हम क्या करेंगे, वही सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, हम इसके लीव्स को तोड़ेंगे, दोनों प्लांट्स के लीव्स को तोड़ेंगे, उनको सेम इसी तरह से पहले वाटर में बॉयल करेंगे, फिर अल्कोहल के वाटर बाथ में बॉयल करेंगे, फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे, और लास्ट में फिर क्या करेंगे, हम फिर से आयोडीन टेस्ट करेंगे कि उसमें स्टार्च बना के नहीं बना। और आप ऑब्जर्व करोगे कि जिसमें हमने KOH रखा था वहाँ पे हमारा आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा, मतलब वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हमें नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हमें हमारा आयोडीन टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा, हमें ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन टेस्ट के बाद विजुलाइज होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव करते हैं कि जो CO2 है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि हाँ, कई बार क्वेश्चन इसमें से कैसे आता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस बताइए, दो पूछ लेते हैं, दो सब्सटेंस बताइए जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको पता ही है, एक आप NOH भी लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थी आपकी एक्टिविटी जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।